वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी बेडशीट, जो दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान भी है। तो मैंने इस बेडशीट को इन तीन कलर्स से मिलाकर बनाया है, क्योंकि मेरे बेडरूम का कलर कंट्रास्ट इन्हीं कलर्स से मैच करता है। आप चाहें तो आपको जौन सा कलर पसंद हो आप उस कलर की बेडशीट बना सकते हैं, मल्टी कलर की भी बना सकते हैं, अपने रूम के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस बेडशीट को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें लगाना है एक स्लिप नॉट। ये हमने स्लिप नॉट लगा लिया। उसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन, 3, 4 और 5। पांच चेन बनाने के बाद जो हमारी सबसे पहले वाली चेन है, हम उसमें क्रोशिए को डाल के एक स्लिप नॉट दोबारा से लगा लेंगे। देखिए स्लिप नॉट ये हमने लगा लिया, ये होल बन गया यहाँ पर। अब हमने दो चेन बनानी है, ये देखिए चेन बना ली। उसके बाद हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। उसके बाद फिर से हमें दो चेन बनानी है। यहीं पे ही हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक, ये दो और ये तीन। ये देखिए दो बार हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम दो चेन बनाएंगे, यहीं से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। फिर से दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। देखिए एक, दो और ये तीन। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम दो चेन बनाएंगे, और जो सबसे पहले हमने दो चेन बनाई थी उसमें से ये देखिए, ये पहली चेन, ये दूसरी वाली में हम क्रोशिए को इस तरह से डाल के, धागे को निकाल के एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हमारा धागा यहाँ पर है, हमें इस होल तक आना है। ये नेक्स्ट वाला जो होल है आप देख पा रहे हैं, इधर से हमें दोबारा से स्टार्ट करना है। तो हम दो से तीन स्लिप स्टिच लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए ये फर्स्ट चेन में हमने क्रोशिए को डाला, इसे इसी में से बाहर निकाल दिया, ये एक बार और इस तरह से डाल के हमने यहाँ निकाल दिया, और ये देखिए हम ये होल के पास पहुँच गए हैं। अब हमने इस होल में क्रोशिए को डाला, निकाला और ये धागे को लेकर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच एक बार और बना दिया। अब हम दो चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और यहीं इसी होल में फिर से तीन डबल क्रोशिया। फिर से हम दो चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाले होल में हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमने तीन डबल क्रोशिया बना दिया, दो चेन बना दी और तीन फिर से डबल क्रोशिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये दो होल बचे हैं, एक और एक दो। अब इनमें भी हमने दो दो चेन लेकर इसी तरह से बनाना है। ये देखिए दो चेन ले ली, नेक्स्ट वाले होल में तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया।
देखिए अब ये एक होल बाकी है, इसमें भी हमने इसी तरह से करना है। दो चेन लेनी है, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमने दो चेन लेकर यहाँ बिल्कुल ये देखिए ये टॉप पे जो चेन है इसमें हमने क्रोशिए को इस तरह से लेकर धागे को लेकर एक स्लिप स्टिच लगा देना है। अब हमने नेक्स्ट वाली चेन में से भी एक स्लिप स्टिच लेना है, फिर हमने होल में से क्रोशिया डाल के एक स्लिप स्टिच और लिया ये देखिए, और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हुआ था, फिर भी हमने दो बार स्लिप स्टिच लिए और एक बार होल में से इस धागे को निकाल कर फिर हमने कट किया। इस तरह से करने से क्या होता है, हम स्क्वायर जितना भी ज़्यादा बड़ा बना दें वो हमारा तिरछा कभी भी नहीं जाता। देखिए आगे जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा स्क्वायर स्क्वायर ही रहता है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता। अब इसके बाद मैं अपना दूसरा कलर यूज़ करूँगी। तो दूसरा कलर देखिए मैंने क्रीम कलर लिया है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमने तीन डबल क्रोशिया और दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम ये देखिए ये होल इसमें क्रोशिए को डालकर हम इस धागे से ही इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए एक बार और इस तरह से करके इस तरह से कर लिया हमने ये नॉट लगा के। अब हमने एक चेन बनानी है, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। वैसे तो देखिए हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाया था, लेकिन जब हमने इस कलर की स्टार्टिंग की है तो जो हमने यहाँ पर दो चेन बनाई है तो वो हमारी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट हो गई। इसलिए इस जगह मैंने दो चेन दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। अब आप ये देखिए अब हम एक चेन बनाएंगे और ये जो आपको होल दिख रहा है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब हम एक चेन बनाएंगे और इस होल में ये देखिए ये जो कॉर्नर है इसके होल में हम तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से हम दो चेन बनाएंगे और इस होल में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दो चेन, इस कॉर्नर के होल में तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दो चेन लेंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, इस कॉर्नर के ये देखिए इस होल में फिर से तीन डबल क्रोशिया, दो चेन
और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दो चेन इधर, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, क्योंकि हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है तो इसीलिए जो हमने यहाँ पर दो चेन बनाई थी, यहाँ पर ये देखिए टॉप के ऊपर हमने इस तरह से देखिए क्रोशिया को डाला, धागे को लेकर हमने इधर से निकाल दिया। ये देखिए, अगर अब हम यहाँ से ही डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा तिरछा जाने लग जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस होल के पास पहुंचकर दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। तो जिसके लिए हमें देखिए, ये एक बार हमने स्लिप स्टिच लिया, एक बार होल से हमने इस तरह से करके इस तरह से ले लिया। अब हम यहाँ सेंटर पर पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, आप चाहे जितना मर्जी इसे बड़ा बना लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब हमने क्या करना है, दो चेन लेनी है, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये क्रीम कलर से हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए एक चेन लेंगे, ये जो दो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब इससे पहले और इसके बाद हम दो दो डबल क्रोशिया इसके साथ और ऐड करेंगे। आप ये देखिए, ये दो डबल क्रोशिया हमने इससे पहले ले लिए, दो डबल क्रोशिया हम इन्हीं के जस्ट ऊपर बनाएंगे, इन्हीं क्रोशिया की, इन्हीं डबल क्रोशिया की चेन में। ये देखिए, ये एक और ये दो, टोटल 4 हो गए। अब दो हमने इस डबल क्रोशिया के साथ में भी डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, पहली लाइन में हमारे दो डबल क्रोशिया थे और दूसरी लाइन में हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। तीसरी लाइन में हमने जो ये 6 डबल क्रोशिया है, इससे पहले दो डालने हैं डबल क्रोशिया और इसके बाद दो डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं। देखिए मैं आपको एक लाइन और बता देती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम दो चेन बनाएंगे और ये कॉर्नर में तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए, चेन आप एक भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, ये सभी के अपने अपने हाथ पर डिपेंड है। किसी का हाथ क्रोशिया में लूज चलता है तो वो एक चेन ले, किसी का टाइट हाथ चलता है तो वो दो चेन ले। तो मैं यहाँ पर देखिए एक चेन ले रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ मीडियम ही चलता है। तो आपको जैसा ठीक लगे, आप एक चेन भी ले सकते हैं गैप के लिए और आप दो चेन भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक चेन ली है, अब ये दो डबल क्रोशिया है, इससे पहले मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इन दो डबल क्रोशिया के ऊपर मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इन दो डबल क्रोशिया के बाद मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हम इस स्क्वायर को भी कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा, ये वाली जो लाइन है ये भी हमारी ख़त्म हो रही है। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये टॉप की चेन में, कॉर्नर की चेन में हम एक स्लिप नॉट लगा देंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन हमें यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करना है और धागा हमारा यहाँ पर आकर बंद होता है, तो हमने क्या करना है, दो या तीन बार हर चेन में इस तरह से
एक स्लिप स्टिच लेते हुए जाना है। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं कॉर्नर के पास। तो अब एक बार क्रोशिया हमें इस कॉर्नर में से इस तरह से लेना है। फिर से दो चेन बनानी है तीसरी लाइन को स्टार्ट करने के लिए। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसी तरह से क्रीम कलर की हमें टोटल 7 लाइन कंप्लीट करनी है। ये 7 लाइन हमें कैसे कंप्लीट करनी है कि ये चारों कॉर्नर्स तो हमें एज इट इज़ ही बनाने हैं कि 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ के लिए मैंने आपसे कहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप एक चेन भी बना सकते हैं और आप दो चेन भी बना सकते हैं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये वाले डबल क्रोशिया है ये जैसे जैसे बनते जाएंगे हमें इनसे पहले और इनके बाद दो दो डबल क्रोशिया ऐड करते हुए जाने हैं। तो चलिए पहले हम 7 लाइन इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसे आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो देखिए ये क्रीम कलर से 7 लाइंस बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इस धागे को यहां से कट कर दूंगी। देखिए इस धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब मैं इस क्रीम कलर के बाद एक लाइन इस कलर की भी बनाऊंगी, उसके बाद हमारा ये स्क्वायर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले इस कलर से भी ये लाइन बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये लास्ट वाली लाइन भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। आप 10 स्क्वायर बना के उन्हें आपस में जॉइंट करें, उसके बाद आप अपने बेड पर रखकर उसे नापें। हो सकता है कि आपके स्क्वायर इससे थोड़े से कम बने या फिर हो सकता है कि आपके स्क्वायर इनसे थोड़े से ज़्यादा बने। वो आप जब बनाएंगे बेड पर रखकर आप मेज़रमेंट करेंगे तो आपको वो आइडिया खुद हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने इन स्क्वायर्स को आपस में जॉइंट कैसे किया है। क्योंकि लास्ट कलर मेरा ये लाइट ब्राउन है तो मैंने सुई में भी लाइट ब्राउन ही धागा डाला है। अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों को इस तरह से आपस में जॉइंट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो कॉर्नर है इधर से मैं एक अच्छे से नॉट बांध दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर पक्का कर लिया। अब इस वाले जॉइंट से भी हमें यहीं से ही इसे इस तरह से जोड़ देना है। अब ये देखिए ये जो होल है, ये देखिए इसका जो होल है और जो इसका होल है, देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों सीधी साइड एक तरफ रहेंगी और ये देखिए दोनों उल्टी साइड एक तरफ रहेंगी। उल्टी साइड नीचे की तरफ रहेंगी। दोनों स्क्वायर को हमने इस तरह से सीधा रखना है। इस तरह से एक बार सुई को इन दोनों में से निकाल कर हमने इन्हें इस तरह से देखिए पकड़ लेना है। तो दोनों ही साइड हमारे सीधी साइड आ गई। देखिए ये साइड भी सीधी है और ये साइड भी सीधी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो होल है और इसका भी जो होल है इसे इस तरह से पकड़ लेना है ताकि हमें पता चलेगा कि ये बराबर ही जॉइंट हो रहा है। तो चेन टू चेन, तो देखिए चेन से चेन मैच करते हुए हमें इसे जोड़ते हुए जाना है। ये देखिए अब ये जो होल है अब इसमें से हम अपनी सुई को निकालेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है अब ये बराबर जॉइंट हो गया क्योंकि इस होल में से जब हमने इसे जोड़ा तो ये वाला पार्ट इसका बराबर हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे अच्छे से पकड़ते हुए चेन से चेन जोड़ते हुए इस होल तक लेकर आएंगे। इसे जॉइंट करना भी बहुत ही ईजी है।
धागे को ना तो बहुत ज़्यादा आपने लूज रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने टाइट से खींचना है। देखिए ये मैंने जॉइंट कर दिया, अभी दो बार हमने इसे पक्का कर लिया। अब इस धागे को कहीं से भी बैक साइड पे ले जाकर, देखिए बैक साइड पर ले जाकर हम इस धागे को कट कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से जुड़ गया है आपस में। देखिए इसी तरह से ये दो स्क्वायर आपस में जॉइंट हो गए। इसके बाद 10 स्क्वायर और मैंने अपने बेड के हिसाब से 10 स्क्वायर और ऐसे साथ में जोड़ के 12 की एक लाइन बनाई। सबसे पहले मैंने एक एक स्क्वायर को इस तरह से आपस में जोड़ा। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर दोनों लाइंस को, एक लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई 12 स्क्वायर्स की, और एक लाइन और इसी तरह से जोड़ के फिर मैंने उन दोनों लाइन्स को साथ में रख के उन्हें एक एक करके इस तरह से जॉइंट किया है। जब आपके सारे स्क्वायर्स रेडी हो जाएंगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इन्हें किस तरह से जॉइंट करना है। पहले आप अपने बेड के हिसाब से 8 या 10 लाइन बना लीजिए। 10-10 स्क्वायर की एक लाइन बनाइए, पहले एक लाइन को बना के देखिएगा। साथ साथ जोड़ते जोड़ते आप बेड पे ज़रूर रख के मेज़रमेंट कीजिएगा, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ही स्क्वायर्स बना लें। तो एक दो लाइन बनाने के बाद आप इसे बेड पे रख के मेज़रमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा पाई होंगी। तो चलिए स्टार्ट कीजिए इस खूबसूरत सी बेडशीट को बनाना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।